एरोडाइन है क्या हम? नहीं है, नहीं जैसा आए थे देखते ही मालूम होता। यह अटलांटा के करीब का नया रोड है, यहाँ हमारा आना नहीं हुआ है, आज इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि एक जगह कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, इसलिए पुलिस खड़ी है और लोग भी ज़्यादा हैं, इसलिए उस रास्ते से नहीं गए, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अटलांटा में हालात बेहतर हो रहे हैं, ठंड की वजह से जो परेशानी रही वो जाने लगी है। कहा जाता है कि 8-10 दिन में यहाँ ठंड और कम हो जाएगी और हालात साजगार हो जाएंगे, यानी हिंदुस्तान से आए हम लोगों को भी यहाँ का क्लाइमेट अच्छा ही लगेगा, ऐसा कहा जाता है। देखना है कि आगे चलकर क्या होता है। आज भी यहाँ की एक मस्जिद में जाना हुआ, बहुत अच्छा रहा, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मुलाकातें हुई, वो फैमिली और बच्चों के साथ आए हुए थे, उनका इफ्तार के बाद नमाज के बाद खेलना कूदना बहुत अच्छा लगा। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको भेज रहा हूँ, देखिएगा यहाँ के हालात कैसे हैं। और यहाँ ये सीरिया के इमाम साहब से भी मुलाकात हुई, वो यहाँ की मस्जिद में जुमे का खुतबा देते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं, उन्होंने भी चंद बातें कही हैं जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए इंशाअल्लाह भेज रहा हूँ। और एक टर्की के भाई से भी मुलाकात होगी, नाम उनका यूनुस है, और उनसे टर्की के बारे में भी मालूमात फराहम हुए। और हाँ, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान के 2-3 भाइयों से भी मुलाकात हुई। इस तरह यहाँ अटलांटा में कई ममालिक के लोगों के साथ मिलने जुलने बातचीत करने का मौका मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ हिंदुस्तान के बहुत से लोग रहते हैं, उनसे भी मुलाकात होती रहती है। अटलांटा एक अच्छी बस्ती है, यहाँ सब कुछ अच्छा है। अगर कोई चीज़ हम जैसे लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो है यहाँ का ठंड, मगर अब उसमें भी कमी आने लगी है। तो आइए मैं अपनी बातों को ख़त्म करके आपको मस्जिद में जो वीडियोस मैंने उठाए हैं जिनसे मुलाकात हुई है उनको बताने वाला हूँ, वो देखिए। और उम्मीद है कि आप ज़रूर इन चीज़ों से खुश होंगे।
खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين نسأل الله في هذه الأيام الفضيلة أن لا يرحم موتانا ويقبل صيامنا ويتقبل منا وعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مسرور كثيرا بارك الله فيك بارك الله فيك and your family أنت أخي إن شاء الله may Allah bless you bless your family أحب لك وأحب اللغة العربية جزاك الله خير ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا وإياك وإياك نفع